की आराधना करता है, भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव की भक्ति किया करता है, भगवान भोलेनाथ उसे अपना बना लेते हैं। नंदीश्वर कह रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ उसे अपना बना लेते हैं। कहते हैं कि जो कुरुक्षेत्र की पावन तपोभूमि में, नंदीश्वर कह रहे हैं कि जो कुरुक्षेत्र की पावन तपोभूमि में और तीर्थों में ग्रहण काल में अपनी भक्ति के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार किसी विप्र से कथा का रसास्वादन करता है और वह ब्रह्मघाती हो गया है, ब्रह्म पाप कर लिया है, लेकिन अगर वह एक बार शिव महापुराण की कथा कहीं भी बैठ करके श्रवण कर ले, गौशाला में बैठ के श्रवण कर ले, उसके जन्म जन्मांतर के पाप भस्मीभूत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये शिव महापुराण की महिमा है। जो भैरव की मूर्ति के पास बैठ करके, भैरव की मूर्ति के पास बैठ करके रुद्र संहिता का 3 बार पाठ किया करता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और जो चतुर्दशी, जिसे कहते हैं मास शिवरात्रि, मास शिवरात्रि मतलब हर महीने की चतुर्दशी में आती है, मास शिवरात्रि के दिन वह शिव महापुराण की कथा भगवान शिव को सुनाता है या किसी ब्राह्मण से स्वयं सुनता है, तो उसके 1000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा श्री शिव महापुराण में लिखा है।